कपड़े पर लगने वाला 12% जीएसटी को वापस लेने के निर्णय पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। वहीं मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों का सुझाव लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है। वहीं मंत्री ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को जहां नूतन वर्ष की बधाई दी है, वहीं कोरोना संक्रमण से प्रदेश को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना। वित्त विभाग का खजाना आपके पास है, क्या उम्मीद है, योजनाओं कितनी रफ्तार मिलेगी, क्या प्लान है आपका? पहले तो मैं नए वर्ष की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि नया वर्ष सबके लिए शुभ हो और मंगल हो। और जो तीसरी लहर की संभावना है, ये संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाए, कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कोई परेशानी प्रदेश की जनता को देश में नहीं हो, यह भगवान से हमारी प्रार्थना है। क्योंकि अभी मैं 2 दिन से दिल्ली गया हुआ था, वहां पर वित्त विभाग की बैठक भी थी, भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बैठक बुलाई थी, सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के वित्त मंत्री और कहीं कहीं पर वित्त मंत्री का जो चार्ज है या जिम्मेदारी है, कहीं उप मुख्यमंत्री को रहती है, कहीं मुख्यमंत्री के पास रहती है, तो वो सारे प्रदेशों से वहां पर आमंत्रित थे। मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भारत सरकार के वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास, जो आम बजट आने वाला है केंद्र का मुख्य बजट, बजट पूर्व उन्होंने बैठक आमंत्रित की, सभी राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए, जो एक अच्छी परंपरा उन्होंने शुरू की है। निश्चित रूप से बजट कैसा होना चाहिए, देश का बजट कैसा हो, उसमें आपके प्रदेश के लिए क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने सबसे सुझाव दिए हैं। ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। और चूंकि बहुत एक आवश्यक विषय था जीएसटी का, टेक्सटाइल जो कपड़े के व्यापारी कारीगर और कपड़े के ऊपर जो 5% से बढ़ा करके जो 12% जीएसटी किया था, क्योंकि वो आज से प्रारंभ होने वाला था 1 तारीख से, तो कल 31 थी, इसलिए उन्होंने अर्जेंट उन्होंने बैठक बुलाई थी, क्योंकि सब लोग वहां पर उपस्थित थे और उस बैठक में उन्होंने सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जो 12% 5% से बढ़ा करके 12% किया है, उसको अभी डेफर किया जाए और अभी उसी स्थिति में रखा जाए जो 5% पहले जीएसटी लगता था। तो कल एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने सभी की सहमति, सभी राज्यों की सहमति से लिया। जीएसटी